Assalamualaikum my beautiful family, welcome back to my new video. और आज प्लांट इन फोकस की एक नई एपिसोड है और उसके अंदर हम देखेंगे रबड़ प्लांट. और रबड़ प्लांट काफ़ी छोटा हो गया है. ये आ गया है हमारे पास बड़े साइज़ का रबड़ प्लांट और इसकी आज हमने देखी है कि किस तरह से हम इसकी केयर कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको ईजिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं. तो चलें आगे आज से ज़रा इंट्रो स्टार्ट करते हैं. देखें इंट्रो. ऑल राइट, तो वैसे तो इसको फाइकस इलास्टिका कहते हैं लेकिन रबड़ प्लांट इसका कॉमन नेम है क्योंकि इसका जो सैप होता है, जो इसके अंदर से सैप निकलता है, उसको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है एक्चुअल रबड़ बनाने के लिए. तो इसीलिए इसका कॉमन नेम जो है वो रबड़ प्लांट ही हो गया है. और बहुत ही ज़बरदस्त हाउस प्लांट है. अगर आप इंडोर के अंदर अपने रूम्स वगैरह के अंदर, ऑफिस वगैरह के अंदर कोई प्लांट अगर रखना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट चॉइस है. और इसके अंदर कोई फ्लावर वगैरह नहीं होते लेकिन जो इसके शाइनी ग्लॉसी ये इसके जो लीव्स हैं और इनके ऊपर जो टेक्सचर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंट ब्रश जो है वो लेकर इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर दिया है. बहुत ही अट्रैक्टिव इसके लीव्स होते हैं और इनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसके अंदर एक आप जो है वो ये यहाँ पर देख रहे हैं फाइकल्स. ये बेसिकली फाइकस इलास्टिका और रुब्रा है, रूबी जो है वो इसको कहते हैं. तो ये जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी हाइट होती है. काफ़ी जो है वो हाइट इसकी चली जाती है, 100 फीट तक भी चली जाती है. तो आप अगर अपने रूम्स वगैरह के अंदर रख रहे हैं तो ज़ाहिर है इसको ट्री तो नहीं बनाएंगे, तो इसको हम रेगुलरली इसकी प्रोनिंग करके इसको जो है वो लिमिटेड, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को. तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक हाउस प्लांट के तौर पे इसको ग्रो किया जा सकता है. ये वन ऑफ द बेस्ट हाउस प्लांट है जो कि हमारी हवा को साफ़ करता है, जो उसके अंदर से टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं उनको क्लियर करता है. और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और लो मेंटेनेंस प्लांट है. तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम्स वगैरह के अंदर जो है वो और इजीली जो है वो इसे ग्रो कर सकते हैं. पहले इसकी एक क्लासिकल जो है वो वैरायटी हुआ करती थी और वो यूज़ किया जाते था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं. ब्लैक प्रिंस है, रोबस्टा है, डेकोरा है, तो बहुत सारी जो है वो, जैसे ये आप देख सकते हैं ये रूबी जो है वो यहाँ पर मौजूद है. और इसके अगर आपको मैं दिखाऊँ इसके कुछ पैटर्न देखें आप इसके, तो बड़े ही कमाल की जो है वो इसके ये पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे. ये आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको स्नेक प्लांट के लिए बताया था कि वो अपवर्ड की तरफ जो है वो ग्रो करता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलता, इसका भी बिल्कुल यही सीन है. तो बढ़ते हैं लाइट की तरफ. तो लाइट की जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि ब्राइट स्पॉट जो है वो इसको चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट का कोई गेम नहीं है इसके अंदर. हाँ, अगर कहीं थोड़ी बहुत इसको लग जाती है सुबह या शाम की धूप तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. एक्चुअली यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मुल्तान के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, सन बर्न का जो है वो सीन यहाँ पर हो सकता है. जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो ये लीव्स इसके ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये काम जो है वो आपने नहीं करना. अगर आप ऐसे टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पर ठंड होती है, कूल टेम्परेचर होता है, वहाँ अगर इसको सनलाइट भी मिलेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, हीट वेव होती है, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता. और इस तरह के जो वेरीगेटेड जो है रबड़ प्लांट की फाइकस, जिस तरह से ये इलास्टिका रूबरा है, यहाँ पर अगर ये वैरायटी आपके पास मौजूद है तो ब्राइट स्पॉट इसकी वेरीगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी वेरीगेशन जो है वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाती है. वाटरिंग का सीन जो है वो मैं आपको बहुत दफ़ा और काफ़ी वीडियोज़ के अंदर अपनी बताता रहता हूँ. प्रॉब्लम यह है कि देखें, मैं अगर आपको कहता हूँ कि हफ्ते में 3 दफ़ा देना है या 2 दफ़ा देना है, तो वहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स होंगी. एक तो ये है कि आप, हो सकता है टेराकोटा पॉट यूज़ कर रहे हो जो मिट्टी वाला होता है, या आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो जो टेराकोटा होता है उसके अंदर मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है जल्दी, और प्लास्टिक वाले के अंदर ऐसा सीन नहीं होता. तो बहुत ही सिंपल है. दूसरा, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को यूज़ करना है और फिंगर को यूज़ करके आप इस तरह से जो है वो इसकी सॉइल को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर मौजूद है और आप उसके मुताबिक पानी दे सकते हैं. आपको कुछ दिनों के अंदर प्रॉब्लम होगा कि आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप कुछ दिनों के अंदर देख लेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ पर कितनी जो है वो मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो मुझे पानी देने की ज़रूरत है. तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा. तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बताता कि आपका टेम्परेचर, आपका जो पॉट है वो डिफरेंट हो सकते हैं मेरे वाले टेम्परेचर और पॉट से. तो इसीलिए आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ सोक एंड ड्राई का, कि अगर आप मिट्टी को सूखता हुआ, ड्राई होता हुआ देख रहे हैं तो आप पानी उसको दें. अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं है, मिट्टी ड्राई नहीं हो रही, मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद है, तो पानी देने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. इनके जो लीव्स होते हैं इनको कोई ख़ास इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका बहुत ड्राई टेम्परेचर है और बहुत हॉट टेम्परेचर है, वहाँ पर अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप वाटर स्प्रे से इसको जो है वो स्प्रे करके
आप इसको मॉइस्चर जो है वो पहुंचा सकते हैं और इसकी ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार रख सकते हैं। इनके लीव्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो करता है। जैसे देखेंगे अगर ये पुराना जो लीव है इसका वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मेरे तकरीबन हाथ के साइज़ का जो है वो ये लीव मौजूद है, लेकिन इसकी फीडिंग के बाद जो इसका लीव हुआ है ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो फीडिंग इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके कोई फ्लावर या फ्रूट वगैरह नहीं होते। फीडिंग से ये फ़ायदा होगा कि इसके जो लीव्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता रहेगा, तो फीडिंग इसलिए ज़रूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर इसका जो होता है वो 10 से 25 या 26 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड का होता है, उससे कम या उससे ज़्यादा इसकी जो है वो डोरमेंसी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये ग्रो नहीं करेगा इतने अच्छे से जितना कि इसका जो आइडियल टेम्परेचर है उसमें ये ग्रो करके देगा। अभी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसकी जितनी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही थी तो ये देख सकते हैं, पहले ये यहाँ तक मौजूद था जब मैंने इसको ख़रीदा था, तो ये यहाँ तक था और उसके बाद जो इसकी ग्रोथ हुई है तो ये कम से कम इसके 7 से 8 जो लीव्स हैं वो इसके बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हुए हैं। बट अभी जो है क्योंकि टेम्परेचर इसका काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा हो गया है तो इसीलिए इसकी ग्रोथ में थोड़ी सी सुस्ती हो गई है, इसको थोड़ा सा ये स्लो ग्रो कर रहा है। अच्छा, रिपोर्टिंग के अंदर दो सीन हैं इसके। छोटे पॉट के अंदर भी ये काफ़ी बड़ा जो है वो इसका साइज़ हो जाता है, उसके अंदर अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं कि इसकी जो ऊपर की मिट्टी होती है, ऊपर की जो सॉइल होती है उसको आप थोड़ा सा निकाल लें और फ्रेश जो है आप उसके अंदर मिट्टी वगैरह जो है वो ऐड कर दें, कंपोस्ट या जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उससे उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मज़ीद जो है वो आ जाएंगे और इसकी ग्रोथ अगेन स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको पॉट जो है वो चेंज करना पड़ेगा तो उसमें आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उसको जो है वो न्यू पॉट के अंदर आप ऐड कर दें। अच्छा, रिपोर्टिंग का सीन जो है वो आप इस तरह से करें जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस दौरान आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, वहाँ पर आपके प्लांट को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ पर इसकी रूट्स जो है वो ड्राई हो जाएंगी। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो आप कोशिश करें कि पहले अपने प्लांट के अंदर, अपने पॉट के अंदर अच्छे से पानी दे दें ताकि मिट्टी जो है वो उसमें बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए, रूट्स अलग ना हो जाए, मिट्टी अलग ना हो जाए। पानी देने से ये फ़ायदा होगा कि रूट्स जो है वो मिट्टी के साथ लगी रहेंगी और वहाँ पर रिपोर्टिंग भी आसान हो जाती है और ठंडे टाइम के अंदर जो है वो आपने रिपोर्टिंग करनी है। प्रोपेगेशन इसकी बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप सीज़न के अंदर करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। मैं इसकी प्रोपेगेशन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर आप इसका लिंक भी देख सकते हैं और यहाँ लिंक आ रहा होगा तो वहाँ पर आपके कंप्लीट इसकी जो है वो प्रोपेगेशन का तरीका बताया जाएगा। लीफ प्रोपेगेशन इसकी जो है वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो है वो इसकी लीफ प्रोपेगेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आप इसको दिखा सकूँ तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग की थी और यहाँ से कटिंग करके उस वीडियो के अंदर मैंने, जिस वीडियो का लिंक दिया हुआ है ऊपर, उसके अंदर मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की और लीफ लगाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू लीव्स जो है वो यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है प्रोपेगेशन का। तो जल्दी से आपको एक समरी बताता जाऊं कि सनलाइट डायरेक्ट नहीं देनी, ब्राइट स्पॉट देना है इसको, पानी जब मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए तब आपने पानी देना है, ह्यूमिडिटी की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बस आप इसको अगर ह्यूमिडिटी देना चाहते हैं तो थोड़ा सा वाटर स्प्रे करें, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। 10 से 26 डिग्री इसकी जो है वो आइडियल टेम्परेचर है इसका। फीडिंग इसको करनी है बड़े लीव्स के लिए और प्रोपेगेशन, ये आप देख सकते हैं प्रोपेगेशन का रिज़ल्ट इसका। ये मैंने इसके इस लीव से इसको मैंने प्रोपेगेट किया था और ये पूरा प्लांट जो है वो इसका एंड रिज़ल्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रबर प्लांट से रिलेटेड आपको कोई चीज़ और पूछनी हो तो कमेंट्स करके अपना सवाल ज़रूर मुझे पूछें और मैं आपको उसका फौरन आंसर दूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।